बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं एक बायनोकुलर की दुनिया में bestcooler.com की जानिब से डिस्कस करनी है आज एक बायनोकुलर जिसका नाम है बुशनल 90x80। इसको हम ज़रा रिव्यू करते हैं और ज़रा जूम टेस्ट करेंगे इसका कि कैसी बायनोकुलर है फॉर हंटिंग के लिए, फॉर बर्ड वॉचिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए, ठीक है। ये बुशनल बड़ी मशहूर कंपनी है, 1948 इस्टेब्लिश्ड है, ट्रेडमार्क है, अच्छी बड़ी बायनोकुलर है। इसको ज़रा आज जूम टेस्ट करेंगे कि कैसी ये बायनोकुलर है, तो देखते हैं ज़रा इसका जूम टेस्ट। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं ज़रा कि कैसी है। ये है ज़रा बड़ी सी, ये इसका आउटर पैकेट है, ये इसका कवर है, ये देखें आपके सामने, ठीक है जी। ये इसका मैनुअल है, इज़ अ मैनुअल, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। आप इसको पढ़ें हाउ टू यूज़ द बायनोकुलर और कितने किस्म के प्रिज्म्स होते हैं, ये इसमें सारा डिस्कस है। तो इसमें जो प्रिज्म का इस्तेमाल हुआ है वो भी देखते हैं कैसा प्रिज्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स, पोरो प्रिज्म और रूफ प्रिज्म, ठीक है जी। ये आपके सामने है, ठीक है। ये है जी आपके सामने बायनोकुलर। मैं इसको जरा, ये इसका अगर आपने लेंस की सफाई करनी हो तो आप इसे यूज़ करें, ठीक है। और ये इसके साथ ही ये रिबन है, आप इसके साथ रिबन भी कभी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी बुशनल की 90x80। ज़रा इसको जूम करके दिखाएं जी, ये देखें लिखा हुआ है 90x80 बुशनल है, ठीक है। और ये 90x80 बुशनल, ये देखें, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं ज़रा इसका जूम टेस्ट, ज़रा देखते हैं। अच्छा ये मुख्तलिफ है जूम, आपने देख लिया होगा जूम बड़ा ज़बरदस्त है इसका। अच्छा ये जो उसके लेंस हैं आई लेंस, जो आँख की तरफ लगेंगे आई कप्स या आई लेंस, वो ये हैं। और जो ऑब्जेक्ट की तरफ आपको नज़र आएगा वो ऑब्जेक्ट लेंस कहलाते हैं। आपको ये देखें, इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस, अच्छे बड़े हैं। अच्छा 90x80 का मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। 10x90 इसका मतलब है 10 से लेकर आप 90 गुना किसी ऑब्जेक्ट को जूम करेंगे। ये देखें आप, अगर ये आपके सामने आए, इधर आए जी, ये देखें, ये आपके सामने स्केलिंग नज़र आ रही है, ये देखें स्केल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 10 से लेकर 10 से लेकर ये देखें स्केल हिलेगा आपके सामने, 10 से लेकर 90 तक आप किसी ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं। तो ये देखें, अच्छा ये मतलब होता है, ठीक। अच्छा ये 80 का मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है इसकी जो मिलीमीटर की लंबाई है ये 80 मिलीमीटर है, ठीक है, 80 मिलीमीटर। और 10x90 का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने जूमिंग करनी हो तो 10 से लेकर 90 तक आप किसी ऑब्जेक्ट को जूम करेंगे। तो इसको ज़रा हम देखते हैं जी, टेस्ट करेंगे कैसी लगेगी ये। ये मैं देख रहा हूँ आपके सामने, जहाँ भी आपको एडजस्ट होता नज़र आ जाए बस आपने रोकना है। ये इसका एडजस्टमेंट है, इसकी जूमिंग भी है, और ये इसकी देखें, ये एक निब लगा हुआ है, इसको आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से भी आप जूम टेस्ट करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, ठीक है जी। ये मैं आपके सामने देख रहा हूँ इसको, जहाँ भी आपकी नज़र टिक जाए तो आपने जूम वहाँ जाके छोड़ देना है, ठीक है जी। ये देखें, मैं अगर देखना चाहूँ तो ये देखें, मुख्तलिफ जूमिंग टेस्ट है, ठीक है, अच्छा है। ज़रा मैं आपको कैमरे के ज़रिए समझाता हूँ। ये देखें, मैं कैमरा बायनोकुलर लाऊंगा सामने, इसका ये जूम टेस्ट देखें आप, ठीक है जी। ये देखें,
इसका जूमिंग देखें जरा। ठीक है जी, अगर मैं इस बाइनोकुलर को कैमरे से हटाता हूँ तो आप जरा देखें ये किस तरह लगेगा। देखें मैं हटाने लगा हूँ, ठीक है, ये देखें सही है। मैं दोबारा लाऊंगा सामने, ये देखें जी इसका जूम टेस्ट जरा आप चेक करें कि बुशनेल की 90x80 इसका जो जूम टेस्ट है कैसा है। एक मिनट, ये देखें, ठीक है जी, ये देखें कैसा है। ये आप मुख्तलिफ जगहों को आप जूम टेस्ट करेंगे, ये आप बेहतरीन नज़र आ रहा है इसके सामने। ठीक है, मैं ज़रा और इधर करूं, अब मैं हटाने लगा हूं, ठीक है, ये मैं हटाता हूं आपके सामने से, बाइनोकुलर कैमरे के सामने से। ये देखिए मैंने हटा दिया, और ठीक है जी, तो ये अच्छी बाइनोकुलर है बुशनेल की 90x80, बुशनेल ट्रेडमार्क है। ये इसका देखें 10-90x80 जूम, इसके स्पेसिफिकेशन आपके सामने लिखे हैं। अच्छा, दो किस्म के प्रिज्म होते हैं, एक पोरो प्रिज्म होता है और एक होता है रू प्रिज्म। ठीक है, तो मुख्तलिफ बाइनोकुलर में मुख्तलिफ प्रिज्म का इस्तेमाल होता है, तो इसमें प्रिज्म का बड़ा अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, बेहतरीन इस्तेमाल है। ये ऑब्जेक्ट लेंस आपके सामने और इट इज़ कॉल्ड आई लेंस। ठीक हो गया जी।